सबसे पहले विजय राठी साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जाट नहीं चाहते कि अखिलेश यादव सीएम बने। संजीव बालियान की ओर से ये बातें कही गई हैं। वहीं गृह मंत्री ने कहा है, पूरा भरोसा दिया है कि जब जब आप हमारे साथ आते हैं हमारी सरकार बनती है और आपको किए गए तमाम वायदे बीजेपी ही पूरा करती है। इस पर क्या है आपकी टिप्पणी? चित्रा जी देखिए, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र से संजीव बालियान सांसद है और किस्मत से मैं जाट भी हूं, तो शायद मैं जितनी खूबसूरती से ये बात बता सकता हूं कोई बता नहीं पाएगा। यही संजीव बालियान जी हैं, अभी जब आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी ने इन जाट नेताओं को भेजा था कि जो जाट कम्युनिटी के गांव है आप उसमें जाकर के इन लोगों को समझाइए, और यही थोड़ी दूर सोरम गांव है जिसमें ये गए थे और इनको दौड़ा दिया था लोगों ने, फिर इनके बाउंसर ने उसी गांव में लोगों को पीटा, उसके बाद थाने में जो बराबर में विधानसभा बुढ़ाना उसमें उमेश जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी गाड़ी पे काला तेल फेंका गया, उसके बाद थाने में दोनों की वीडियो भी है। जब संजीव बालियान जी ने ये कहा कि मैं देख लेता, मुझे ऊपर से फोन आ गया, इसे मुझे रुकना पड़ा, उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई सभी पूरी जाट बिरादरी की, तो इनको सिसोली में जाकर के माफी मांगनी पड़ी। और अभी 6 दिन पहले आपने फोटो भी देखा होगा, आदरणीय नरेश टिकैत जी के पास संजीव बालियान जी पहुंचे थे हाथ जोड़ के कि मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि जाट साथ है, क्यों फिर जाट नेताओं से मीटिंग करना? एक और मैं बता दूं, मेरे पीछे विधानसभा आती है गढ़, कमल थे वहां से विधायक, उनको गांव वालों ने दौड़ाया, तो क्यों ये ऐसा है? अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं मौजूदा समय पे मनिंदर पाल सिंह जाट बिरादरी से आते हैं, सिवाल खास में मेरठ में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको गांव का नाम है छुर, चित्रा जी कंप्लीट कर दिया, छुर गांव का नाम है, उन्हीं को अभी दौड़ाया है, अभी परसों की जल्दी बात से है। कंप्लीट कर तो दीजिए। ये जो दौड़ाने वाले है। लोग हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, जाट नेताओं की जवाब है इनका। बैठक करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? किस बात का डर है कि पर्टिकुलरली जाट नेताओं के साथ ही 250 सिर्फ जाट नेताओं के साथ ये बैठक की जा रही है? सुधांशु जी देखिए, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का समुचित सम्मान, समुचित स्थान, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, संयोग से उनके मुंह से मेरठ का नाम निकल गया, क्या करिए, मेरठ में क्या विषय आया है कि गठबंधन में ही कितने सहयोगी हैं, किस समुदाय को कितने टिकट दिए गए हैं, जाट समुदाय की नाराजगी है। और आप संजीव बालियान जी के किसी पिछले वीडियो की बात कर रहे थे जिस समय में किसान आंदोलन चल रहा था, जो कल आदित्य चौधरी का वीडियो आया है, आज तक उसका वो क्लियर कट आके खंडन क्यों नहीं कर रहे? अगर उन्हें लगता है कि ये वीडियो फर्जी है तो जाके FIR दर्ज करा दें, उसमें गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि वो वीडियो सही है और उस कारण से उनको समस्या हो रही, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई करने में हिचक रहे हैं। जहां तक जाट समाज के सम्मान की बात है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी 2 महीने पहले की बात है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कि 1913 की हमारी निर्वाचित सरकार के भी अध्यक्ष थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा जमीन दी, उनका कहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नाम नहीं था, समाजवादी पार्टी वाले चुप, और यहां तक कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण भी छीन लिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और मुस्लिमों को दे दिया गया, उस पर चुप। हमारी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय की बात कही। और सबसे पुरानी बात, सौ बातों पर याद दिला देना चाहता हूं कि ये बताइए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया था? 1967 की विधानसभा में जनसंघ के 97 MLA थे जब संयुक्त विधायक दल की सरकार में वो मुख्यमंत्री बने थे, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ धोखा किसने किया था, ये सबको पता है। और एक लाइन पूरी कर दूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। 1989 में जब जनता दल था, मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब अजीत सिंह जी मुलायम सिंह से कहीं बड़े नेता थे, सीनियर नेता थे, मुख्यमंत्री पर हक उनका था। 4 या 5 दिसंबर 1989 की बात है, विधानसभा उत्तर प्रदेश की लखनऊ, तिलक हॉल, पुराने लोगों को पता होगा, अजीत सिंह जी को वीपी सिंह के साथ कनाये उसमें किनारे करके मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो चौधरी साहब की विरासत हो या जाट समाज की गौरवशाली विरासत, उसका किसने कितना सम्मान किया है तब से लेके लेटेस्ट वीडियो तक यह जनता देख रही है।